कैसी तबीयत पा रही थी? अच्छी। ये देखो कैसा रहा आपका? फर्स्ट क्लास रहा। अब तो बहुत जल्द असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हो जाने का खतरा है। देखो अच्छी तरह कैसा है? कितना अच्छा लग रहा है। जानती हो डिप्टी कमिश्नर ने क्या कहा? हाँ मिस्टर चौधरी, पुलिस डिपार्टमेंट को तुम जैसा ऑफिसर को नाज। उनके मुंह में खींच। अरे अरे उठो नहीं, उठो नहीं पार्वती, लेटी रहो। मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए ना। सर डॉक्टर से मुझे को मना किया पार्वती। मैं तो आपके पैर छूना चाहती थी। किस लिए? वहाँ तो लोग आपका इतना मान करते हैं और मैं आपके अपने होकर इतनी इज्जत में कर सकूँ तो किस काम की? पार्वती सच पूछो तो अब मेरे दिल में इज्जत विज्जत की कोई ख्वाहिश नहीं रही। शेर होता तो रोना किस बात का था? ये तो खोखर चंडवी पे है, इसीलिए तो सब गालियां देते हैं। पर गाली तो तुम इसे दे रहे हो राम। सरकार मैं नहीं, आपके पास से रामचारी देती है। अभी रोती पीट जाएगी तब पता चलेगा। क्या पता चलेगा? अजी उसके ठोकरे का सिर पड़ाया तो लिया आपने। सोरे पिताजी, उसने मुझे खुद पूछा था कुश्ती खेलेगा तो मैं जवाब देता। अरे नहीं, जरूर कुश्ती खेलना चाहिए था, लेकिन तुम उसका सर कैसे फोड़ दिया? मैंने जो उसके दांत फंसा कर नीचे पटका। भाई ये तो बिल्कुल फेयर फाइट है, इसमें किसी को शिकायत क्यों होनी चाहिए? सरकार आप कुछ नहीं कहें पर मैं कल से इसके साथ बाहर नहीं जाऊंगा। क्यों क्यों क्यों? वो तो भला भगवान का कि निशाना चूक गया, इसने गंजे को गुड़ेल का निशाना बना दिया था। आपको नहीं सरकार, आपको नहीं सरकार, मैंने इसके लिए लोगों के सामने अपनी तीर सी नाक को रगड़ रगड़ के कमान बना दिया। मेरे तीर को कमान बना दिया। बस सरकार बस, इसको आप ही नाम से आने पर बिठा रहा है। मैं भी इन्हें बोल बोल के थक गई। बाहर तो लोग इनके नाम से थर-थर कांपते हैं, लेकिन ये 2 फुट का शहर था, इनके भी काबू नहीं आता। पार्वती जब बिल्कुल बिगड़ जाएगा तो आप ही रोएंगे, देख लेना। पार्वती इस तरह परेशान होना तुम्हारी तंदुरुस्त के लिए ठीक नहीं है। तुम ना परेशान है, आप तो लाल प्यार के सिवा कुछ करते ही नहीं। कभी चाहते तो सीधा होना। अच्छी बात है, मैं भी उसको सीधा करता हूँ। चोरे तूने उस गंजी खोखे पर बुलेट क्यों चलाई? सबके सामने ने पिताजी, अकेले में मारे। ये बात है, चल उस कमरे में तेरे चमड़ी धर देता हूँ। मंजूर है। कितना मूर्खत हो गया, कैसे जवाब दे रहा है? तुम फिक्र ना करो, मैं भी उसको मरम्मत करता हूँ। अरे रामा मोरू ने बच कर क्या बच्चे की जान ही ले लेंगे? सरकार बच्चे को सरकार बच करो, आप बच करो, कसम खाता हूँ आपका भी शिकायत नहीं करूँगा। सरकार धन्यवाद, मेरे बच्चे को मार ही डालेंगे। क्या हुआ? क्या हुआ पार्वती? तुम बिस्तर से उठी तो? मैं भूख में मारा था, तूने बोला मैंने तुझे मारा। नहीं ना पिताजी ने मुझे मारा नहीं, इसे गद्दे को पीट रहे थे। मेरे डॉक्टर को बुला लीजिए। डॉक्टर मेरे दिल में चुभन सी हो रही है। अरे रामू जान लपक डॉक्टर को ले। जी सर, तुम लेट जाओ, तुम लेट जाओ पार्वती। यस डॉक्टर, चौधरी कुछ दिनों से आपकी मिसेज दिल में चुभन सी महसूस करने लगी है। इट्स नॉट अ गुड साइन, इसका मतलब है इलाज कोई फायदा नहीं हो रहा। तो फिर ऐसा लगता है दवा जारी रखना दिल को तसल्ली देना। डॉक्टर कैसे ला देते? आप इन्हें अमेरिका ले जा सकते? अमेरिका? हाँ, डॉक्टर एमर्सन इस नर्स का एक स्पेशलिस्ट है, 100% उम्मीद वहीं की जा सकती। डॉक्टर अमेरिका ले जाना तो बड़े खर्चे की बात है, मैं तो रुपये कहाँ दिलाऊंगा? आप लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए, डॉक्टर की हैसियत से मैं रिकमेंड कर दूंगा। मुझे तो यही एक तरीका नजर आता है। चौधरी आई एम सॉरी, तुम्हारा लोन नामंजूर कर दिया। सब डॉक्टर नामंजूर हो चुके हैं और आप जानते हैं पुलिस सर्जन खुद पार्वती का मेटा भेजना चाहते थे और आप कहते हैं कि लोन नामंजूर हो गया, फिर वो बचेगी कैसे? इतने बड़े लोन का पास करना मेरे हाथ में नहीं था। अफसोस तो इस बात का है कि मेरी सिफारिश भी काम नहीं है। यस अंडरस्टैंड सर। आप खुद ही उसकी जिंदगी बचाना नहीं चाहते। अगर आप उसकी जिंदगी बचाना चाहते थे आप ये रुपए जरूर कबूल कर लेते। इन्हीं रुपयों से इलाज के लिए आपकी बीवी को अमेरिका ले जा सकते हैं, इन्हीं रुपयों से उसकी जिंदगी बचा सकते हैं। वरना याद रखो तुम्हारी बीवी तुमसे एक बूंद दवा मांगते मांगते दर्द तोड़ जाएगा। ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, पार्वती मेरे लिए सब कुछ है, अगर उसे कुछ हो गया। आज रात आप ड्यूटी पर नहीं जाएंगे। कैसी तबीयत पार्वती?
जी, आप कुछ खोए खोए से नजर आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो सरकार ने पैसे देने से इनकार कर दिया ना। तुम्हें कैसे मालूम? आपके गैर हाजिरी में ये सेट पहले भी दो बार आ चुका है। उसने क्या कहा तुमसे? वही जो आपसे कह रहा था, लौटा दिया ना आपने उसे। पार्वती, तुम कहना क्या चाहती हो? ये कि अगर आपने मेरे इलाज के लिए रुपये लिए तो वापस कर दीजिए उसे। नहीं पार्वती, तुम्हारे इलाज के लिए रुपयों की जरूरत है। उन रुपयों से तुम्हें नई जिंदगी मिल सकती है, तुम्हारी जान बच सकती है। और अगर पहली बार मैंने फर्श से मुंह मोड़ा है तो मैं कसम खाता हूँ यही आखिरी होगा। ये वो पुलिस अफसर बोल रहा जिस पर सरकार को नाज है, ये मेरा पति बोल रहा जिसे मैं भगवान समझती हूँ। पार्वती, न ये पुलिस ऑफिसर बोल रहा है, न भगवान बोल रहा है, बल्कि एक लाचार पति बोल रहा है जो अपनी पत्नी को जिंदा देखना चाहता है, अपने बच्चे की माँ को जिंदा देखना चाहता है। पार्वती, तुमने कभी सोचा तुम्हारे बिना राजेश का क्या होगा? जो भगवान को मंजूर है वो होगा, हम अकेले इसकी जिंदगी बनाने बिगाड़ने वाले कौन? वो तो ठीक है पार्वती, लेकिन इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे इलाज के लिए अमेरिका ले जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सरकार ने हमारे इलाज के लिए पैसे कहाँ दिए? सरकार ने नहीं दिए, इसीलिए तो मैंने। पार्वती, सबको पता चल जाएगा ये पैसा रिश्वत का था, सब आपके नाम को धिक्कारेंगे और मैं शर्म के मारे क्यों कि मर जाऊंगी। जो चाहे कीजिए, आप मेरे पति हैं। क्या बात है साहब? चलेंगे सर जी। क्या हुआ, ये रुपया क्यों वापस कर रहे? ताकि आप अपने ट्रस्ट वापस ले जाएं। अच्छा है, ये अचानक आपका इरादा कैसे बदल गया? सेठ जी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। अगर इरादा बदलने में थोड़ी देर हो जाती तो मैं जिंदगी बदल जाता। वो तो ठीक है चौधरी साहब, लेकिन गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। नसीहत तो दोबारा हाथ नहीं आती सेठ जी, इससे पहले कि मैं अपने आदमी से कहूं कि आपके ट्रस्ट की तलाशी ले, आप यहां से वापस चले जाइए। पार्वती, मैं जानता हूं तुम मुझसे रूठ गई, कि मैंने रुपये लौटा दिए। पार्वती, मैं तुम्हारा ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। अगर ये बेईमानी का धब्बा मेरे माथे पर लग जाता तो इसकी परछाई जिंदगी भर के लिए मेरा मुकाला करती थी। पार्वती, तुमने मुझे बचा। पार्वती, क्या हुआ? पार्वती, पार्वती, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। पार्वती, रामू, रामू, पार्वती मर गई। पार्वती, मैं तुम्हें मंदिर नहीं दूंगा। नहीं पार्वती, तुम मर नहीं सकती, तुम मर नहीं सकती। तुम तो मुझे सिखा रही थी कि बेईमानी ना करो और खुद बेईमानी करके चली गई। बताओ बेईमान कौन है? गोपाल, हे गोपाल, आया साहब।
गोपाल यहाँ से सुनाए तो है राजेश बाबू फोन की बैठे क्या बोल जगह जब तक वो नहीं आती तरह सोने के लिए रोज रात को सुनाए तो जी हेलो छोटा है जिन्हें मूर्ति मेहरबानी बीजो बना भी गयो बीजो बना भी गयो आले 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 जन बेटा तकियो खराब था भी अरे खराब था भी तो नोट लाट गई नोट लाट गई मर गई आंसू से नोट के लिए पर नोट लिख दिया एम आलो अजी आओने आओने शो शो तो आए लो ओ मारा बाप रे बाप जीत गयो हिसाब इन्हें रोकना तो करा आपको जब खोदूंगा हिसाब किताब कर दूंगा रास्ते से रास्ता में नहीं छोड़ू कहीं तले पर नहीं छोड़ू तेरा मारी बहुत करा दो रास्ता नहीं छोड़ेगा नहीं नहीं छोड़ूंगा मिट्टी के छोड़ दे शेर के मुंह में हाथ डालकर उसके जान जिंदा जाते थे अच्छा क्यों करना एक तो बेचारे के पैसे नहीं देते ऊपर से दादागिरी दिखा रहे बात ठीक नहीं है मिस्टर तुम अपना रास्ता नापो तुम्हें उसका बाप बनने की क्या सीढ़ी हो रही है शायद आपको मालूम नहीं लेकिन जुए में उधार नहीं चलता मैं भी बड़ी टेढ़ी औलाद कोई काम सीधी तरह से नहीं करता ये वो घी है जो सीधी उंगली से नहीं निकलता अच्छा तो मैं पांच उंगलियां टेढ़ी कर सकता हूँ चलो बाबा ये रखो जब तुम्हारे पैसे वापस कर दे ये घड़ी लौटा दी और दादी तुम्हारे भाड़ू कहने से दिख रहा कॉलेज की छोकरी का अभी भी हाल है तो आगे क्या होगा हिम्मत है कभी काम आएगा गोपाल तेरी ड्यूटी खत्म उठ अबे गधे उठ सर आप हाँ मैं कहाँ गए थे तुम मैं पूछता हूँ तुम इतनी रात तक कहाँ गए थे क्या कर रहे थे जी दरअसल बात ये हुई कि आज एक बहुत जरूरी काम पड़ गया था इसीलिए देर हो गई सिर्फ आज काम पड़ गया जी हाँ सिर्फ आज झूठ मत बोलो मुझे गोपाल से सब पता लग गया है तुम रोज रात को गायब रहते हो बोलो भाजा बोलो अदरवाइज आई फेल यू असली बात यह सर कि मैं रोज रात को एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ इसलिए देर हो जाती है पार्ट टाइम जॉब तुम्हारे पिताजी तो पैसा भेजते हैं फिर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की क्या जरूरत है वो तो सिर्फ अपने शौक के लिए सर क्या मतलब सर अपने हाथों से कमाई करने का शौक मुझे बचपन से है कॉलेज में आकर और बढ़ गया तुम रात को पैसे कमाने के लिए जाया करते हो डू यू रियली मीन इट क्या वाकई तुम्हें अपने हाथ से पैसे कमाने की कदर शौक है जी हाँ बहुत शौक है सर दैट इज वंडरफुल अरे इसे छुपाने की क्या बात है यू शुड बी प्राउड ऑफ इट ऐसा आदर्श अगर हर नौजवान बना ले तो अपने देश का कल्याण हो जाएगा देश की बात तो कह नहीं सकता सर लेकिन हॉस्टल के नौजवानों का कल्याण जरूर हो जाएगा वो कैसे सभी मुझे देश के थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं सर गुड 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 सिखाते जाओ सिखाते जाओ और देखो कैसे तुम्हें गोपाल की याद सुनाने की जरूरत है तुम रोज रात को नहीं जा सकते हो यू आर माय परमिशन थैंक यू सर एक और रिक्वेस्ट सर ये जरा चौकीदार से भी कह दीजिए रोज रात को मुझे तंग करता है डोंट वरी मैं उससे भी कह दूंगा तुम सो जाओ बस थक गए होगे गुड नाइट गुड नाइट कौन है जस्ट भी इनकम से वापस आ जाओ लगता नहीं आता होंगे मुझसे बात करो ओह बहुत अच्छे आइए सांसद साहब तकलीफ रखिए अरे मैडम साहब क्या सबकी जेब खाली करके भाग दिया भाई लोग बाहर आ जाओ एक और बकरा आ गया है कमाल है यार तुमसे और तक नहीं हम यहाँ तो दौड़ा कहते अच्छा चलो कुर्सी पकड़ो जल्दी से पत्ते बांटो भाई जल्दी से चलो ना ठीक है बहुत अच्छे है एक चांस मा
हाल चिंते में है। निकाल के ये ले, किधर दे दो कि ये पड़ी। हां किताब भी है कि नहीं? हां लो दस। एक चाल मैं भी आया। मैं भी आया? तू पेट नहीं करेगा क्या? क्या करूं यार, सब तेरी कुछ ऐसे। सच बोलता है? बोलना अच्छा है क्या? चलो डाल दे, मैं कहता हूँ ऐसी जिंदगी पत्ते बार बार नहीं आते। अच्छा चल जा, अरे चल ना, तुम बारी अपने आते मान अपना है। चल उल्लू बना था, मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला। पैक साथ से देखिए, तीन बेरम जाकर गया। अबे मुझे याद आ गया, कल इसके पास तीन बादशाह आए थे। अरे कल के बादशाह पर आज की बेगम पैक कर गया। बारे तेरी याद आ, आज भी तो सवाई लाई। सर गुलाम भारी। सर गुलाम भारी? कभी कभी गुलाम भी बेगम पर हाथ मार जाता है। ओ गॉड, कब भेजेगा हमारा भेजा? और सुनो, भेजे के अंदर थोड़ा लत मिला के भेजो। खाली भेजा, अगर भेजा तो क्या भेजा? क्यों ये गार्ड ऑफ ऑनर किसके लिए? ड्यूटी क्वीन के लिए। ड्यूटी क्वीन? ये कौन? हटो यार, उधर हटो। हटो भैया, अरे भाजू हट जा। ये कम इसके लिए तुम लोग इतनी देर तक खड़े थे? अरे इसने तो तुम लोगों की तरफ देखा तक नहीं। कभी तो स्वीट लुक देगी प्यारे। तुम लोग सब पैदाइशी आशिक हो। फिर बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा, लेकिन तुम्हारे गाल पर मेरे हाथ का, समझे? थैंक यू। वेल डन लिसन राधा, मैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की तारीफ करता हूँ। ऐसे बदमाशों के साथ ऐसा ही सलूक होना चाहिए। देखिए ना, घर से पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ तो लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। जरा देखो तो भाई, क्या गाल पे लाल नक्शा प्रिंट हुआ है। भैया ये अगर सैंडल का होता ना तो आशिकों को सज्जा करने के लिए स्कैंडल पॉइंट हो जाता है। ड्यूटी के भी पर निकला है, हिम्मत है तो बेटा बात करके दिखा ना। बात के लिए बड़े भाई से बात कर लो। बात तो क्या, अगर जरूरत पड़ी तो स्कूटर पर बैठ के भी दिखा देंगे, लेकिन तुम्हारी तरह दूध नहीं कटवाएंगे। यूँ कहो ना, अंगूर खट्टे हैं, हमने छू लिए तो जलने लगे। अरे यार ये तो मुझे फटका रहा, इसे मालूम नहीं कि मैं क्या अंदर। इसी साल का है, नया भर्ती का। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, अगर 24 घंटे में उसे छू कर दिखा दूं तो क्या दोगे? 10 रुपए। बहुत कम है। अबे ये भी कोई रकम है? अच्छा अगर छूने के साथ साथ उससे बात करके दिखा दूं तो ज्यादा मिलेगा? 50 मिलेगा। अरे पूरा 100 का इंतजाम करो ना। अच्छा अगर उसके साथ स्कूटर पे बैठ के आ जाऊं तो 100 रुपए मिलेगा? 100 मिलेगा। तो कल 100 रुपए तैयार रखना। तुम अपना गाल तैयार रखना, वो तो देखा जाएगा। भैया गाल वाला जीते या माल वाला, लेकिन देखने वाले को पता जरूर आएगा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। चलो मैं तुम्हें गाड़ी में छोड़ दूँ। नहीं पापा, मैं स्कूटर में जाऊंगी। ठीक है, लेकिन स्कूटर तो रास्ता चलाया करो। रास्ता तो गलत है। नहीं चलाती इसलिए तो कह रहा हूँ, अगर रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया तो जानते क्या होगा? जी हाँ, नंबर 1 मेरा लाइसेंस चला जाएगा, नंबर 2 आपको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी। मैं बड़ा ही आहिस्ता संभाल के चलाऊंगी। करके हाल पूछ रही सब जाइए ना, मैं घर पहुँचा दूंगी। ज्यादा चोट नहीं लगी है ना? बाहर से चोट तो ठीक लगता है बच्चे, लेकिन अंदर की चोट अब वक्त ही बताएगा। क्या मैं कहता हूँ, मुझे कुछ नजर नहीं आता। शुक्रिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, ना मैं तेज चलाती ना ये टक्कर होती। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बच्ची, तेरी उम्र का कसूर है, ये उम्र ही दीवानी होती है। क्या हुआ? मेरी तो कमर ही टूट गई, मुझसे चला भी नहीं जा रहा। अब तो कहाँ जाना है, मैं पहुँचा देती हूँ। तुम पहुँचा दोगी? नहीं नहीं अदीदा, बुढ़ापे का बोझ उठाने के लिए खुदा ने ये कमसिन कमर नहीं, ये लाठी बनाई है। बाबा मैं तुम्हारा बोझ अपनी ऊपर उठा रही हूँ, स्कूटर उठाएगा। अरे चलो प्लीज। कोई बात नहीं बच्ची, मैं अपनी मंजिल तक लंगड़ाते लंगड़ाते ही पहुँच जाऊंगा। हाँ मैं खजिद करो, बैठ जाओ। यहाँ कैसे बैठो बच्ची, मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है, मुझे पकड़ लेना। अच्छा जब तुम कहती हो तो बैठ ही जाता हूँ। नहीं पकड़ लेना, अगर डर लगेगा तो और जबकि पकड़ लेना, ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो डर नहीं लग रहा है ना? झिझक तो दूर हुई, डर ये है मगर है दोस्त, लगा दे आग लग देना, ये रुका रुका से तपा बुरा समय के शायरी का साथ बढ़ जाता है। गलत तो नहीं होता, ये कि मैं बुरा हूँ। माशाल्लाह आप अपने आप को अभी तक जवान समझते हैं। क्यों ना समझू अजीदा, अभी तक तो कुमारा हूँ।
तक ये तो बताया नहीं बाबा कि तुमने जाना कहाँ है। मोहब्बत में क्या क्या अंजाम आते हैं कि मंजिल ये है और चले जा रहे हैं। बोर मत करो बाबा, अभी किसी हम उम्र को ढूंढ कर शायरी का ख्वाब पूरा कर लेना। कम से कम लफ्जों में बता जाना कहाँ है। जाना है एपीसी कॉलेज। एपीसी कॉलेज? क्या वो तो मैं पढ़ती हूँ। क्या मैं जानता हूँ? कैसे जानते हो? अजी मैं भी वही, मेरा मतलब है मेरा भतीजा भी वही पढ़ता है। उसी के फीस देने के लिए तो जा रहा था। कह रहा था कम्बर शहर की सब खूबसूरत लड़कियाँ उसी कॉलेज में पढ़ती है। आपके नौकर भतीजे को तालीम से तफरी का ज्यादा ख्वाब लगता है। अब बेकार रिसीव कर रहे हैं। लो कॉलेज आ गया। ये बुद्धा तो अपने ज्यादा लगे निकला, जिसका एक पाँव कबर में और दूसरा ब्यूटी क्वीन के टूटा पर। हम लोग चांस मारने के लिए मर रहे हैं और ये मरने से पहले चांस मार गया। पाँव बनाने वाले मुझको बुद्धा बना दिया होता। शुक्रिया दीदा। कोई बात नहीं बाबा। गिरी ये बुद्धा तो इधर ही चला रहे। अरे तुम? हाँ मैं। सौ का नोट निकालो। संभाले यार, आखिर बाजी जीती गया। अरे चेला हमारे गुरु का है, मगर चेले ने चक्कर ऐसा चलाया कि गुरु चकरा गया। कन्या तारीफ कर रही है भाई। शुक्रिया। क्या पिक्चर थी सोफिया लारन को एक दफा देखो, क्या ब्यूटी थी उसकी। देख रहे हो मेरी आंख है फड़की। जरूर आस पास है लड़की। हाँ। उतर मोर्चा जमाओ और आंखों की मशीन गन से हसीन दुश्मन पर दो चार राउंड फायर कर डालो। ठीक है। जिंदगी की ये आखिरी उम्मीद है। कॉलेज कमेटी की तरफ से मुझे आदेश मिल चुका है कि अगर इस दफा भी ड्रामा कंपटीशन की ट्रॉफी हम उन्हें जीत के ना दे सके तो मुझे इस डिपार्टमेंट से हाथ धोना पड़ेगा। इस बार मैं पूरी सरगर्मी से कोशिश करूंगी। फिर भी सब बेकार रहेगा मिस अनुराधा, क्योंकि आपको इनाम मिलेगा आधा। बका यंग मैन कम हियर, तुम्हें कैसे मालूम है कि इनाम आधा ही मिलेगा पूरा नहीं? सर आपको याद होगा कि याद कर लूंगा, तुम आगे बोलो। लास्ट ईयर भी हम रनर अप रहे थे। यस रहे थे। क्यों मालूम नहीं क्यों? इसलिए कि इनका दूसरा साथी एब्सोल्युटली भोंदू था, यानी कि मैंने इनके साथ ड्रामे में हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि मैं इनका पार्टनर नहीं था। तो इस बार बात जाओ, इनकार कैसे है? मुझे है। अगर आप इसे मेरा साथी चुनेंगे तो मैं अपना नाम विड्रॉ कर लूंगी, ड्रामा में हिस्सा हरगिज नहीं लूंगी। सर ये खामखा बिगड़ रही है। अगर इन्हें मेरी एक्टिंग कैपेबिलिटीज पर शक है तो आप इजाजत दें मैं अभी नमूना पेश कर सकता हूँ। करो। आई मस्ट बी गॉन एंड लिव और स्टे एंड डाई। फेयरवेल। आई विल ओमिट नो अपॉर्चुनिटी दैट मे कंडेम माय ग्रीटिंग्स। लव टू दी माय प्रोजेक्ट। देखिए मिस अनुराधा, आप हमारे जाति मामले को इस तरह के मामले से जोड़कर प्रोफेसर साहब से बड़ी बेइंसाफी कर रहे हैं। तुम जाते हो या मैं चली जाऊं? ऑलराइट, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है सर कि आपकी तरक्की और नौकरी पक्की के लिए इससे ज्यादा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। मिस अनुराधा एक बात फिर सोच लो, मुझे तो ये लड़का कुछ कुछ समझदार लगता है। आपको लगता होगा, मुझे तो बेशर्म का सरदार लगता है। जैसा तुम ठीक समझती हो करो,
अब तो ट्रॉफी भी गई और नौकरी भी गई। सर अफिकर मत कीजिए, मैं इसे गरुड़ को चूर करना चाहती हूँ। मैं इडियट से इडियट, बुद्ध से बुद्ध भी चुनकर जीत कर दिखाऊंगी। मुझे सिर्फ अपना पार्टनर चुन लेने दीजिए। आप मेरे पार्टनर बनेंगे। संपत घबरा मत दे, दुश्मन को कर दूंगा चंपत। अरे संपत जरा देख के तो आ, ऑडियंस का क्या हाल है? प्लीज ज्यादा मत घबराओ, मैं भी देख कर आता हूँ। मैं जब पहली बार स्टेज पर गया था ना तो तुमसे ज्यादा हालत पतली थी। मिस्टर अनूप आसन जमाने से पहले मालूम तो हो भाषण का क्या असर होगा। बराबर बराबर पास में बैठे हैं हमलावर, हाथ में लेके लाल टमाटर। मुझको तो लगता है रियल डेंजर, इसलिए आज की टेली खबर। टमाटर मगर यार मैंने तो आज तक किसी चींटी को चींटी भी नहीं काटी, फिर लोग क्यों मेरे दुश्मन होने लगे हैं? मत उठो उठो, रिहर्सल करो करो करो। अनुराधा पहचाना मुझे? ये कैसा मजाक? मजाक नहीं रिहर्सल है, और हॉल में तो होलसेल में पड़ने वाले हैं। किस मुखड़े पर ये सहित के? पता नहीं यार किस मुसीबत में फंस गया हूँ। जब से पैदा हूँ स्टेज पर पहले ही जाने का मौका मिला है। पता नहीं क्या हाल चाल है। हाल तो तुम्हारा यही पतला हो गया, और चाल स्टेज पे जाओगे तो जनता बिगाड़ देगी। ऐसा तो मैं स्टेज पर नहीं जाता। अंदर और पिछले दरवाजे से चले जाना। मुझे अनुराधा का मुखड़ा याद आ गया। अरे ऐसा सुनहरा मौका जिंदगी में फिर कब आएगा? उसकी नरम बाहें मेरे बाह में होगी, उसका चांदा मुखड़ा मेरे मुखड़े के पास होगा। अरे टमाटर तो क्या, मैं सबकी मार खाने को तैयार हूँ यार। मेकअप करो ना भैया। आना आना अब बोलो, दया धर्म को भूलो और गोली की पुड़िया खोलो। चलो मिस्टर संपत, इनका दिल बहुत जोर से धड़क रहा है। हाँ रॉकेट की स्पीड से धड़क रहा है। अगर ये स्पीड गई तो तुम स्टेज पर नहीं स्पेस पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल। अरे यार वो गोली दे देना। कैसी गोली? बेटा टॉनिक की। इसके खाने से क्या होता है? उससे घबराहट खत्म हो जाती है। और जी इसका मतलब है कि वो डर खत्म हो जाता है। तुम्हें टाइम है, जल्दी देर चाय की। लो 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 वो गोली कहां पर लगाई है? यार खाने के तुम एक गोली पर गोली पर पानी छाड़ दो। डर दोस्त लग रहा है। चला कुर्सी उठा उठा ले चलो अंदर। आ रहा क्या था अंदर में? माजी एंट्री आधी। अरे एग्जिट भी खाली, क्या काम किया है तुमने? जवाब नहीं है तुम्हारा। जा गोली खा के सो जा। बच गए, गोली ने तो पिटवा ही दिया था। रामू जी सरकार, चाय बनाकर राजेश को मनी ऑर्डर कर देना। एक बात बोली सरकार सर, परदेश में छोटे बाबू को इतने सारे पैसे ना भेजा कीजिए। तो नहीं बाप दादा बोलते थे सरकार कि जवानी में लड़के का हाथ तंग रहे तो दूसरी आते ठीक रहती। वो ठीक कहते थे, लेकिन बाप दादों के यहाँ एक दर्जन से कम औलाद नहीं होती थी, इसलिए उनके पैसे बढ़ जाते थे। समझा? नहीं समझा सरकार। तू नहीं समझेगा, मेरी तो बस एक ही औलाद है, उसे ना दूं तो और किसे दूं? और फिर ये पैसे भी किस काम के अगर जवान बेटा दो चार दिन हंस खेल करने गुजार सके। वन मिनट, चलिए शो कीजिए। पहले शो के पैसे डालो, बाद में शो मिलेगा। पैसे कल ले लीजिएगा तो फिर शो भी कल मिलेगा। बकौल तुम्हारे कि जुए में उधार नहीं चलता। चलिए चाचा जान थोड़ा सा उधार मिलेगा। इस मंजिल से कौन गया सलामत, असबाब का राह में और सफरी का। पैसों के लिए अच्छे पत्ते चेक रहे थे। मैं तो आपको जानता भी नहीं, आप किस भरोसे पे? मैं इस घर का मालिक हूं। Thank you. No show, sir. Double. Another double. Again, double. Sure. Who wins? You. 20. 20. 40. 40. 80. 80. 100, 200, 200. So, who wins? You. 20, 20, 40, 40.
नेटिव 100 200 200 Who wins? You. Sorry. Bad luck, my boy. अब तो सपने हारने का नहीं है, लेकिन आपके तक हारने का जरूर है। उसकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो तो अपने आप ही वसूल हो जाएंगे। खेल में आपके पैसे गिनना भूल गया, हम उस लोग कुछ नहीं सर, 2000 रुपए थे। 2000? हाँ, तो घबराने की बात है, वो तो वापस आ ही जाएंगे। Come on, my boy. Stop worrying. Come on. डाल दिया। बहुत होशियार हो, हैं? दिल रखो, जल्द है, दिल नहीं। कितना सका है, कभी बंदूक किधर, कभी इधर। माय गॉड, बैठो, माँ, इसको बोलो ना इस तरफ बैठे। ये बेचारा तो सो रहा है, इसने सोने दो ना, किसी गरीब की नींद से हराम करें। ओह माय गॉड, वेरी हार्ड ड्यूटी। कौन है मैं? आई एम वेरी सॉरी। लड़की, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। कहाँ भागते हो? रुक जाना, नहीं रुकने वाला। अजीब लड़का मिला, नहीं तो भागता। ये क्या मजाक है, नीचे उतरो ना। मैं उतरूंगा। ठीक है, देखियो कब तक नहीं उतर जाओ, मैं भी यही बैठी रही। बिल्कुल ठीक है, तुम नीचे बैठ जाओ, मैं ऊपर बैठ जाता हूँ। तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे है चोरी, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी। मुझे पहने ही था खटका, जब जुल्फ तेरी लहराई मेरे दिल को लगा एक झटका, धड़कन को सुनो मेरे दिल की, दिल जुल्फों में है अटका, जुल्फों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, जुल्फों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे हाय चोरी, आंखों की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी। तेरे होठों का उस रंग का मेरा दिल है, मालूम नहीं क्या तुझको, वो तू ही तो मेरा कातिल है, आंखें न चुरा तू मुझसे, वो तेरे दिल में ही मेरा दिल है, मेरा दिल की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी, मेरा दिल की तलाशी दे दे मेरे दिल की हो गई चोरी,
चोरी चोरी मेरे दिल की हो गई रे है चोरी। कल मेरा बर्थडे है और ये सब लोग जिद कर रहे हैं कि पिकनिक मनाई जाए, मगर मैंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी आपने? आप साथ आएंगी तो पिकनिक होगी, वरना वरना ये धरना यूं ही पड़ा रहेगा। इसका मतलब धरना उठाने के लिए मुझे हाँ करना पड़ेगा। जी हाँ, आऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। आपने मुझे किस मकसद से बुलाया था? तुम्हें याद होगा तुमने मुझसे कुछ पैसे उधार लिए थे। जरूरत की बात है, वरना इससे 10 गुना रकम भूल जाता। इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं, मगर आपके पैसे मैं जितनी जल्दी हो सके लौटा दूंगा। कल तक तो गुंजाइश है, उसके बाद नहीं। कल तक कैसे हो सकता है? आप तो जानते हैं मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और 24 घंटे में इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे सकता हूँ? ठीक है, तुम नहीं दे सकते, हम तुम्हारे पिताजी से मंगवा लेंगे। पिताजी? तुमने इनके पिताजी का क्या पता बताया था? सुपरिंटेंडेंट चौधरी, पुलिस लाइन रतनपुर। इस मामले में अगर आप पिताजी को न लाए तो मैं उम्र भर आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जुहू से 30 मील दूर पर विदेशी जहाज खड़ा है, वहां पर पैकेट पहुंचा दो, मेरा रुपया वसूल हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा तरीका नहीं करूंगा। तो फिर तुम्हारे पिताजी ने लिखना ही पड़ेगा कि तुमने जुए में हार कर तुमसे 2000 रुपया उधार लिया। अगर पिताजी को इस बात की खबर मिली तो उनका दिल टूट जाएगा और मैं जिंदगी भर के लिए उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। उन्हें खबर करने के लिए तुम मुझे खुद मजबूर कर रहे हो। सिर्फ यही रास्ता है, सिर्फ यही। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? उन्हें भी साथ ले लो। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाद में कर लेना, सबको पिकनिक पे बुलाया है, उन्हें इस तरह छोड़ देना ठीक नहीं लगता। उनकी इतनी फिक्र और हमारी जरा भी नहीं। इतने तेज क्यों चला रहे हो? फिर आहिस्ता चलो, मुझे डर लग रहा है। वापस ले चलो मुझे, अब तो किनारा भी नहीं दिख रहा है। चलो ये तुम जल्दी भी क्या है, किनारे से कितनी दूर होगा? बस 20 मील। 20 मील बस, घबराया नहीं, लो रुक लेता। अब वापस ले चलो किनारे की तरफ। जिसके दिल में तूफान हो उसे किनारे खुद ही अच्छे लगते। तुम्हें तो बहुत सीधे लगते थे, बातें तो सभी तेरी करते। कहते हैं माशूक को याद आए और आशक की बातें समझ में ना आए, बस इसी में लुत्फ है। मैं कहती हूँ अभी इसी वक्त वापस ले चलो। आई सेड लेट्स गो बैक। इतनी सी गलन से इतना दर्द, जो आग मुझे अंदर ही अंदर इतने दिनों से जला रही है उसने मेरा ख्याल किया। जरा देखो तो सही, छोड़ दो मुझे कभी। प्लीज कम, क्यों हम गुस्सा होती? खबरदार, अगर आगे बढ़े तो सारे खींच लो। घर शेरनी के शिकार और गुस्से वाली औरत के प्यार में बोला है किसी चीज में।
खामा खा अपनी जान को मेरे लिए खतरे में डाल दे। तुम्हें इस बात का अफसोस है? लेकिन इस बात का अफसोस जरूर, पहले तुम्हें क्यों गलत समझा? और अब क्या समझती हो? हेलो मीना, अनुराधा तुम्हारे यहाँ है क्या? तुम्हारे यहाँ भी नहीं है? इस लड़की ने आज रात की नींद खराब कर दी। तुम जाते होंगे? मुझे एक सपना आया था, एक राजकुमार आसमान से उतरकर मेरे करीब आया और मेरी तरफ बड़े प्यार से देखने लगा। मेरी आंखों में नींद भरी थी इसीलिए पहचान न सकी। तुम्हारा राजकुमार आसमान से उतर कर आया था? हाँ। हाँ सो रहे हो? आसमान से उतर कर मैं आया था। अरे हाँ, और अभी अभी तुम मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी आंखें कब से एक सवाल लेकर तुम्हें देख रही हैं। कौन सा सवाल? लाई खो जान मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कहाँ से लाई खो जान मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन यही वो आँखें हैं जिनके मोती चमक रहे हैं समंदरों में। यही वो चेहरा है पूजते हैं यही वो चेहरा है पूजते हैं जिसे पुजारी भी मंदिरों में। चमन में करती है रोज शबनम कली कली से तुम्हारी बातें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन नजर ये कहती है तुमसे मिलकर कभी ना तुमसे नजर हटाऊं। तुम्हारी सूरत ही सामने हो तुम्हारी सूरत ही सामने हो तुम्ही को बस देखता ही जाऊं। यूं ही गुजारूं मैं जिंदगी के तमाम दिन और तमाम रातें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन ये किताबी चेहरा गुलाबी आँखें। कभी भी जिनका नशा न उतरे यही तो है वो शराबी आँखें। कहाँ से लाई हो जाने मन पापा। अनु आर यू ऑलराइट माय चाइल्ड? हाँ। ओहो कहाँ गायब हो गई थी? हम तो ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। सिर्फ इतना पता लगा था
कि एक लड़के के साथ लॉन्च में गई, उसके बाद में लॉन्च की खबर मिली ना तेरी। पापा लॉन्च में आ गया थी और उस दिन लड़का मुझे अकेला छोड़ के भाग गया। कमीना मैं उसकी खाल खिंचवा दूंगा। अगर राजेश उस वक्त वहां न पहुंचता तो आज मैं आपके पास जिंदा न लौटती। यू मस्ट थैंक यू पापा। जरूर, जिसने मेरी बच्ची की जान बचाई उसका एहसान मैं भूल सकता हूँ। अच्छा ये राजेश कौन है? राजेश हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है, बहुत बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है, फिर तो ऐसे बहादुर शख्स को मैं जल्द से जल्द मिलूंगा। सच? यू लव हिम पापा। अपने बर्थडे पर उसे मेरे घर से बुलाना। आई वॉन्ट टू मीट क्योंकि तुम पर भरोसा नहीं था। मुझ पर भरोसा नहीं फिर बात कर। अगर मैं सो जाती और तुम सपने में आते तो पूरा एक दिन निकल जाता तुमसे मिलने से। तुम बिल्कुल बुद्धू हो। हाँ सच्ची बुद्धि हो गई है, क्योंकि तुमने नहीं थी, तुमने बना दिया। उसके वाले ने तुम कर दिया पर मैं आदमी समझी से बड़े काम। तुम मुझे बुद्धू और निकम्मी अच्छी लगती। तुमने बात की सुन ली नहीं तो मुझे सब कुछ भुला दोगे। क्या पापा तुमसे मिलना चाहते हैं? समझ नहीं पाए। जी हाँ। ना बाबा वो पुलिस ऑफिसर थे, उनसे तो मिलने में भी डर लगता है। ये जानते कि तुमने मेरी जान बचाई है, खबर सुनने के लिए बुलाया है। हाँ जिस दिन उन्हें मालूम हो गया कि तुमने उनकी बेटी का दिल छुड़ा है सिर्फ हाथ करने लगाए बगैर नहीं छोड़ेंगे जनाब। बात यहाँ तक पहुँचाने का देता है। पुलिस कमिश्नर की बेटी हो तब तुम्हें खुद ही जिनका इकबाल कर लेना पड़ेगा। वो तो पहले मुकर्रर हो चुका है। बस तो मेरी शांतिरा फिर तो मैं जरूर आऊंगा। बेटी को एक सोफा दूंगा और बाप को एक सोफा दूंगा। हाँ कभी दिखाई नहीं दे रही है। अरे भाई वो तो अपने ही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू अनु। क्या मैंने ही बोला सफा हो गए तो आधा घंटा लेट आया। यकीन नहीं आए तो खड़ी देख लो। इस मशीन को क्या मालूम मेरे दिन से पता कितना लेट आया है। लीजिए इससे भी पूछ लेते हैं। चलो हटो ये देखिएगा तो क्या कहेगा। यही कि ये पागल तुम्हारा दीवाना है। हाँ 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 तुम्हारा दीवाना है। अगर मेरा दीवाना होता इतनी देर से नहीं बल्कि सुबह से मेरी गली का चक्कर काटने लगता। सच्ची बताओ क्यों लगा इतनी देर? देर इसलिए हो गई क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा ढूंढ रहा था जो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। सारा बाजार छान मारा फिर जाकर एक चीज का पता चला। किस चीज का? इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत चीज कोई नहीं। सच बिल्कुल सच। चाहो तो इन आंखों से पूछो। सारा बाजार तलाश करके आई। हेलो पापा इसे देखो। अरे अनु क्या क्या कर रही हो? बस मैं चाहता ढूंढा है। अच्छा तो तुम उनके बेटे हो? जैसा बाप वैसे ही बेटा। बहादुर बाप के बहादुर बेटे हो। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा देखो बेटा आज तुम इसे अपने घर समझो। अपने घर समझो समझे? एकदम ने साहब यानी कि तुम्हारे पापा ने मुझे पास किया। वो तो तुम्हें देने लगे। जीरो नंबर लेकिन मेरा सुनने की कोई बात नहीं। उनके बेटे ने तुम्हारी बड़ी सिफारिश की, कहा लड़का मुहब्बत करना जानता है, मेरा दिल बहलाना जानता है और आपके बेटे को जान देना जानता है। क्या बोले? लो फिर क्या जो तुम्हें मैट्रिक फेल कर रहे थे वो तुम्हें एमए डिग्री देने पर तैयार हो। एमए? भला ये कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री? हो ठीक हो अभी तक नहीं समझे? समझाती हूँ। एम फॉर मैरिज, ए फॉर अनुराधा, मतलब साफ है मैरिज टू अनुराधा। ओ यू माय डार्लिंग, माय डार्लिंग अनु। मत छोड़ो ना, तू देखेगा तो क्या कहेगा। नारियल पानी के साथ शर्म भी करते हो क्या? जरा मेरा पर्स दे दे। ये लो ये तो सब पिताजी ने भेजा है। पहना दो। पहनो तुम पहन दो प्लीज। लो थैंक यू। जानती हो तुमने ये क्या किया? मैंने कुछ क्या जाने, तुम तो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करते हो। मैं बुद्धू हूँ, बिल्कुल बुद्धू हूँ, तुम्हारी बुद्धू हूँ।
जज्बात को मैं ठुकराऊंगा दिल के जज्बात को मैं ठुकराऊंगा बल्कि तस्वीर जज्बात बन जाऊंगा हक मोहब्बत का हक मोहब्बत का होता है कैसे अदा वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा वक्त आया तो मैं ये भी दिखलाऊंगा प्यार के देवता के कदम चूम कर जिंदगी नजर कर दूंगी सौगात अपना घबराओ मर्द की दूरी से तुम मतीले नहीं मैं भी हूँ साथ में हाथ आया है जब से तेरा हाथ में आ गया है जज्बात मैं कहाँ हूँ मुझे ये खबर ही नहीं तेरे कदमों से ही गिरना जानते ही हाथ आया है अरे रामू ए रामू जी सरकार मेरे जूते तो ले आए सरकार मैं तो चंदा भी सारे नौ भी नहीं बचे जिंदगी भर घड़ी देखना मत सीखना वरना वक्त पर काम करना पड़ जाएगा हाँ चला गया सरकार ये सिक्की देगा सरकारी सिक्की देखिए सरकार हाँ हाँ सरकारी सिक्की है जूते पहना जी सरकार चश्मा तो बांधने दीजिए अरे चश्मा नहीं जिस पर मान दुम्बई बदली हो गई है छोटे बाबू के पास चक्कर हाँ छोटे बाबू के पास छोटे बाबू के पास राजेश के पास राजेश आखिर किस्मत को मुझ पर हम आ ही गया अब इन आंखों को औलाद देखने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा अच्छा तो अनुराधा ने एंगेजमेंट रिंग भी दे दी जाना आपको अनु मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है समझ में नहीं आता संपत लड़की का दूसरा नाम है अकल की कड़की और ये फार्मूला कोई दूसरा आपको बताएगा भी नहीं मुझे तो हमेशा मजाक सोचता है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई है तो फिर मिस्टर गैम्बलर तुम अपना रास्ता भी बदल डालो अगर अनुराधा को मालूम पड़ गया है तो तुम रात भर जुआ खेलते हो तो क्या उसका दिल नहीं टूटेगा तू ठीक कहता है संपत यू आर राइट मैं जुआ खेलना छोड़ दूंगा बिल्कुल छोड़ दो और फौरन छोड़ दो लेकिन सिर्फ आज की रात खेलूंगा वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अनु को इसके बदले मैं इससे अच्छा पफा देना चाहता हूँ What are you busted? Sure. You lose. Run for the gambler, please. All right, gambler. Please, dude. Boss, छोटे boss बाजी को बाजी हार रहे हैं और मदद के लिए इशारा कर रहे हैं।
से इशारा कर दो कि मदद आ रही है, और हाँ बाकी सबक बनाओ, हमें फौरन बाहर जाना है। ओके बॉस। माय नेम इज किशोरी एंड यूर्स। I'm a good girl. Oh la la. हो गया जुए के अड्डे पर आगे खून कर दिया।
राजेश जिंदगी में ऐसा करेगा मैं ये कभी सोच नहीं सकता था। मैं जानता हूं तुम ये सपना कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखिए तुम्हारा क्या होगा? मेरा ये सोचिए अब उस बेचारे का क्या होगा? उसकी किस्मत का फैसला अब कानून के हाथ में है। कानून? कानून तो खून के प्यासे भेड़े की तरह का खून मांगेगा, सिर्फ खून मांगेगा। कानून को गलत मत समझो बेटी, कानून इंसान की भलाई के लिए बना है। अगर यहाँ गुनाह की सजा मिलनी बंद हो जाए तो दुनिया में वहशत के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। मोहब्बत भी नहीं। लेकिन बाबा, अगर इंसान से मजबूर होकर सिर्फ एक बार खून हो जाए तो क्या उसकी सजा सिर्फ मौत होती है और कोई सजा नहीं मिल सकती उसे? ये फैसला करने का हक अदालत को है। तो क्या आप भी राजेश को नहीं बचा सकते? मेरे लिए भी नहीं, अपने बेटे के लिए भी नहीं। पुलिस गुनाह की नहीं कानून की हिफाजत करती है। बेटी अगर उसने खून किया है तो मैं भी नहीं बचा सकता। ढूंढ कर मेरे पास ना, मैं उसे धोखा देने का सबक सिखाना चाहता हूँ। तूने चिट्ठी कोर्ट में डाली थी? डाली थी सरकार, जरूर तू भूल गया होगा। नहीं सरकार, मैंने अपने इस हाथ से डाली थी। तो फिर राजेश क्यों नहीं आया? शायद उसको काम पड़ गया होगा। अच्छा तो सामान निकाल, मैं थोड़ा इंतजार करता हूँ। अच्छा सरकार, राजेश आने वाला है? नहीं मालूम। तुम राजेश को जानती हो? हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। कितना जानती हो? जी राजेश को तुम कितना जानती हो? जी हमारी सगाई भी हो चुकी है। सगाई? राजेश से तुम्हारी सगाई हो चुकी है? लेकिन अब तुम राजेश का इंतजार क्यों कर रही हो? ये जानते हुए जो पुलिस से फरार है कभी गिरफ्तार हो सकता है। मुझे पूरा यकीन है मेरे पिताजी से जरूर बचा लेंगे। बचा लेंगे? कैसे? कौन है तुम्हारे पिताजी? डीपी बर्ड, पुलिस कमिश्नर। तुम दोनों की बात तुम्हारे पिताजी को मालूम है? तो फिर राजेश पर दुनिया में क्या चाहिए था? बाप का प्यार और तुम जैसी लड़की के मिल जाने के बावजूद उस जिंदगी में से किसी की ख्वाहिश रह गई थी जो अब फांसी के तख्ते पर चढ़कर पूरी हो जाती। भगवान के लिए खामोश हो जाइए, अब बड़े संदल लगते हैं। संदल? संदल मैं हूं तुम्हारा राजेश, जिसने सिर्फ एक इंसान का खून नहीं किया बल्कि साथ साथ अपने बाप के सपनों का नुकसान किया। ये झूठ है, आप माने या ना माने, दुनिया माने या ना माने, ये जानती हूँ कि राजेश बेगुनाह है। उसने ये खून अपनी जान बचाने के लिए किया है, अपनी जान बचाने के लिए किया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बेटी कोई भी सबूत बता दो, मैं अपने बेटे की जान बचा लूं। बेटा? हाँ, मैं ही उसका पिता हूँ इसीलिए कह रहा हूँ, कोई भी सबूत हो तो बता दो मुझे, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ऐसा नहीं दूंगा। मैं सबको वही बता सकती हूँ जो राजेश ने मुझे बताया है। हाँ लेकिन उसने तुम्हें क्या कहा था, क्या बताया था? यही वो बेकसूर है। बस लेकिन मुझे विश्वास है जो भी उसने कहा है सच कहा है। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी, मेरी आशा का दीप हमेशा जलता रहे। ठीक है बेटी, भगवान करे तुम्हारे प्रेम और विश्वास की जीत हो। कहीं मिल जाए तो उससे कहना तुम्हारा बाप अपनी जान की बाजी लगा कर भी तुम्हें बचाने की कोशिश करेगा। इससे पहले उसके कदम किसी और गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाए उसे वापस लाना ही होगा। नाइट क्लब के मर्डर की रिपोर्ट है। पता नहीं ये इत्तेफाक की बात है या इसमें कोई राज है। तो किशोरी को एग्जैक्टली उसी दिन सगाया है जिस दिन से राजेश फरार है। किशोरी को? जी जिस क्लब में खून हुआ है लड़की उसी क्लब में डांसर थी। और मेरा ख्याल है इन्वेस्टिगेशन में इससे फायदा हो सकता है अगर ये पता चले कि लड़की कहाँ से आई है, पहले कहाँ रहती थी,
क्या करती थी? बिल्कुल ठीक है, मेरा भी ख्याल है सर। तो सारा पुराना रिकॉर्ड कलेक्ट कर। ऑल राइट सर। राजेश तो मिला था। मिला था? कहाँ? कब? गेट अड्डे पर। फिर क्या? बेटे ने बात को पहचान लिया, मगर मगर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उसने कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। मैंने उसे आवाज भी दी, मगर मगर शायद इस वर्दी की दहशत में बेटा बाप को भूल गया, भाग गया। भागा दोषी ठहराओ या ना ठहराओ, कानून की निकाह में गुनाहगार है। उसके नसीब में था किस बार कुछ भी, लेकिन बेटी तुम जानबूझकर अनजान क्यों बन रही हो? जिंदगी और मौत का कोई साथ नहीं, तुम उसे छोड़ दो, उसे भूल जाओ। ये मुमकिन नहीं, उसे बार बार क्यों कहते हो पापा? तो इसका मतलब यह है कि राजेश के सामने तुम्हें अपने बाप की परवाह नहीं। मुकाबला मत करो पापा, मैं आप दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकती। एक मेरा खून है तो दूसरा मेरे दिल से। जो बात कभी भी पूरी नहीं हो सकती, उसकी ख्वाहिश करना एक बेवकूफी है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? देवता के चरणों में चढ़ने वाले फूल की कोई अभिलाषा नहीं होती पापा। उसका मकसद सिर्फ पूजा से। मैं भी पूजा का एक फूल हूँ जो मेरे दिल ने किसी के चरणों में चढ़ा दिया है। देवता सोने का हो पत्थर का, उसे पुजारी का क्या मतलब? अब मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। हेलो, हाँ बोलो सिद्धि। पता चला? नहीं, तुम्हारे साथ आने की जरूरत नहीं, तुम मुझे पता बता दो। बड़े खूबसूरत
बड़े ही भगे मिटा जिस पे दिल तुम कहीं तो नहीं बड़े खूबसूरत बड़े ही हकीम मिटा जिस पे दिल तुम कहीं तो नहीं मुराद जो पूरी हो गई इस भटकते हुए दिल को बस यूं समझिए आप ही की तलाश थी मेरी अजी क्यों बना रहे हैं आप मुझे कोठे में भला हसीनों के बजाय कमीनों का तलबगार कौन होता है हुजूर ये तो अपना अपना मक्का है हुजूर किसी का पास किसी का दूर हम तो तबले के तालिबे इल्म हैं रियाज से जब मंजिल नहीं मिली न्याज हासिल करने चले आए हम तो आपको अपना उस्ताद बनाना चाहते हैं हमारा दौलत खाना आपकी कदम बोसी करना चाहता है अजी क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे आप अपना पता दे जाइए गुलाम किसी दिन खुद ही हाजिर हो जाएगा माफ कीजिए हुजूर इतने करीब आकर हम फिर से करीब नहीं होना चाहते ऐसे अनमोल रतन को तो हम अपनी आंखों में बिठा कर ले जाना चाहते हैं क्या बात है अब्दुल मियां नवाज साहब तो हमको छोड़ तुम क्या बगल में हो गए बात यह है बाजी अल्लाह कसम हम तो रेस्ट से मर जाएंगे हाँ बाजी आपके ये रईस मुझे घर ले जाने के लिए जिद कर रहे हैं तो वो आओ ना घबराते क्यों हो बाकी की शाम रसूल मियां बजा लेंगे अच्छा बाजी जब आप सब कुछ संभाल रही है तो मैं इनके साथ हो ही आता हूँ नवाज साहब आप पर कुर्बान हो जा रहे हैं और आप अपनी मेहरबान की खातिर तवाज़ो किए बगल ही मेरे गरीब खाने से ले जा रहे हैं इसकी कोई नवाज साहब आपको मेरे हाथ से पान खाने में कुछ रास्ता नहीं इतराज क्यों होगा भाई जी बल्कि नाज होगा लेकिन जरा जल्दी कीजिए अच्छी बात है हम जरा पान अरे अम्मी पान खत्म हो गए थे तो क्या मंगाए नहीं जा सकते थे रसूल पांडे से भेज दीजिएगा अरे अम्मी तू भी बड़ी निकम्मी है लो हम खिलाएंगे अरे वापस कहाँ जा रहे हैं उस्ताद जी चलिए चलिए कहाँ चलिए घर और कहाँ घर इसके घर कमाने से बिला जब तक रजामंद हो गए थे फिर आने लगे लाहौल भी नकूबत मेरी तो आपसे पहले कभी मुलाकात भी नहीं हुई है और बंदे को तो रसूल मियां कहते हैं रसूल आदाबत देख अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा मैं पहले जैसे बेवकूफी करने दूंगा अरे मैं तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ तुझे बचाने के लिए मैं तेरा दुश्मन नहीं बाप हूँ बाप बाप किसका बाप मेरे बाप को तो मरे हुए 20 बरस हो गए हुजूर देख बोगे देख अच्छी तरह से देख तेरे बाप जिंदा है या मरा हुआ कह दे सबके सामने मैं तेरा बाप नहीं हूँ
कमाल करते हैं हुजूर, नकली दाढ़ी लगाकर आप मेरे बाप बन रहे हैं। अरे अब्दुल मुझे बिल्कुल बनाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी हमारे की असली है, नकली नहीं। छोड़ भी दीजिए, वरना दाढ़ी के साथ साथ बंदे की खाल भी उतर जाएगी। जिंदगी से खेल रहा है हुजूर, तो उड़ गया तो खाली कमरा पेश करो। चुप रहो, तुम उसकी आजादी पर नहीं बर्बादी पर खुश हो रही हो। बेवकूफ लड़की, तुम्हारी इस करतूत से उसकी जिंदगी में सवार होने पर कुछ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा हुजूर? इसलिए कि तुम्हारे रसूक में आकर वो अपनों को बेगाना और बेगानों को अपना समझ रहा है। मौत को जिंदगी और जिंदगी को मौत समझ रहा है। पुलिस वालों को अपनी नाकामयाबी पर झल्लाते हुए जरूर देखा है, लेकिन इस कदर जज्बाती होते हुए कभी नहीं देखा। अपने तसल्ली के लिए आप मुझे हथकड़ी क्यों नहीं पहना देते? अरे पगली, मैं भी उसके हाथों में हथकड़ियां कहां पहनाने वाला था। मैं तो उसके पांव में बेड़ियां डालना चाहता था ताकि यहां से भागकर वो उस मंदिर तक न पहुंच जाए जहां से मौत करीब और जिंदगी हमेशा के लिए दूर हो जाए। आपका मतलब है आप उसे बताने का गर्ज मंद है? मगर कैसे, क्या पुलिस चाहते नहीं? क्या पुलिस वालों के सीने में दिल नहीं होता? वर्दी पहनने से पुलिस वाले इंसान नहीं रहते? क्या बाप बाप नहीं रहता? क्या राजेश के पिता है? हाँ, मैं राजेश का पिता हूँ। मुझसे क्या हो गया? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे बताता जब अपने औलाद को बताने से डर रहा था? काश किसी तरह पहले मालूम हो जाता, आज ये अनर्थ ना होता। देखी, तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकती हो, तुम चाहो तो राजेश को नई जिंदगी दे सकती हो। कैसे? उसे तुम मेरे हाथों में लौटा दो, इसमें उसी की भलाई है। देखिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई चीज प्यारी नहीं। तुम मुझ पर भरोसा रखो। अच्छी बात, तो फिर एक बार यहाँ आइए। अगर भगवान ने चाहा तो आपका बेटा आपकी आंखों के सामने होगा। हेलो बाबा, राजेश को कुछ पता चला? नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो कातिल नहीं है। ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन मुसीबत तो ये है वो खुद ही डर से हमारे कानून से भागा हुआ है। कहीं एक बार मिल जाए तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं सोचता हूँ क्लब में जाकर पता लगाऊं जहाँ वो हमेशा जाया करता है। ठीक है संभव, मेरा भी यही ख्याल है। अगर राजेश के बारे में कुछ पता चल सकता है तो वहीं से मुझे भी साथ ले चलो। ओ नो, वो जगह तुम्हारे जाने के लायक नहीं है। संभव, तुम राजेश के दोस्त हो और मैं वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं जरूर साथ चलूंगी। तुमने मेरे बारे में कुछ कहा? तुमने जरूर आएगा? आना तो चाहिए था, वक्त हो गया है। किप योर फिंगर क्रॉस्ड, आपका बेटा आ गया। पता नहीं, बिल्कुल यकीन तुम्हें आ रहा है कि मेरा बेटा उसे मिल जाएगा। अब ज्यादा देर नहीं है, सिर्फ 2 मिनट इंतजार कर लीजिए। आज कैसे देर क्यों हुई? नहीं पड़ता, अब तक तो साधना चाहिए था। अब नहीं ठहरिए, मैं देख रहा हूँ। तुम जानते तुम्हें क्यों लाया गया है? जानता हूं, बदला लेना चाहते हैं। गलत, बदला बेवकूफ लेते हैं। तुम्हारी मौत से मुझे क्या फायदा? इट्स अ डेड लॉस। तो फिर क्या चाहते हैं आप? बिजनेस। मेरे साथ? हाँ, तुम्हारे साथ। मेरे भाई के मरने से जो मुझे नुकसान हुआ है उसे तुम्हें पूरा करना होगा। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? मैं अपने भाई की कीमत कम से कम 50,000 समझता हूँ, क्योंकि उसका खून तुम्हारे हाथों से हुआ है, इसलिए हजाना तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने आपके भाई को जानबूझकर नहीं मारा था। ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि राज सिर्फ मैं और मेरे आदमी जानते हैं, पुलिस नहीं। तुमने पुलिस से भागकर खुद जुर्म को कबूल किया है, अपने आप को कसूरवार माना है। वैसे अभी बात पूरी नहीं बिगड़ी, कानून की दृष्टि से तुम अब भी बच सकते हो। बच सकता हूं? कैसे? मेरे आदमी कल एक बैंक पर डाका डाल रहे हैं, अगर तुम इनके साथ सरदार बनते जाओ मेरे दांव सब हो जाएंगे। आपका मतलब मुझे डाका डालना पड़ेगा? डाका तुम्हें नहीं, मेरे आदमी डालेंगे। तो फिर आप
मुझे क्यों इनके साथ भेज रहे हैं? इनकी हिम्मत अफजाई के लिए, और रुपया यकीनन 50,000 ज्यादा मिलेगा। एंबिशन भी कुछ वादा करते हैं, इसके बाद आप मेरे हक में गवाही देंगे? ऑफ कोर्स वादा करता हूँ। फिर मुझे मंजूर है। तो ठीक है, तुम रात को यहीं रहो, इन्हें गैस रूम दिखाओ। अगर राजेश कल किसी तरह मेरे आदमी को साथ में ले भी जाए तो जिंदगी भर के लिए मेरा खुलाब है। तुम याद करके गोम से कह देना अपना कैमरा लेकर बैंक पहुंच जाए, और जिस वक्त गोली चले राजेश की फोटो खींचे। ओके बॉस। तुम राजेश के पीछे से गोली ऐसे चलाना जैसे मालूम हो गोली राजेश चले, समझे? यस बॉस। और हाँ
पुलिस तुम्हारे बेटे की करतूतों से बेहद परेशान हो रही है। कितने ही बेगुनाहों के खून से उसने अब तक अपने हाथ रंगे। इसका अंत क्या होगा, कहां होगा, मैं खुद नहीं जानता। मैं खुद शर्मिंदा हूं वर्मा साहब, बहुत कोशिश करने के बावजूद मैं अपने बेटे को गलत रास्ते पर चलने से रोक नहीं सका। वक्त का मजाक भी खूब रहा, जिसे समझी के रूप में बुलाकर गले में हार पहनाने को सोचा था, आज इसी के हाथ में हथकड़ी देकर उसकी औलाद को गिरफ्तार करने के लिए कहना पड़ रहा है। जिस बेटे पर इतना नाज था, जब वही बदल गया तो किस्मत के बदल जाने पर क्या शिकायत होगी। मैं जानता हूं जो जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं बहुत मुश्किल है, हो सकता है तुम्हारा दिल उसके खिलाफ बगावत कर उठे। अगर तुम चाहो तो नहीं वर्मा साहब, आप इत्मीनान रखिए, कल कोई पुलिस पर उंगली नहीं उठा पाएगा कि बाप ने जज्बात के अख्तियार में फर्ज को भुला दिया। अब जो भी हुक्म करें मैं वफादारी से पूरा करूंगा, चाहे मुझे अपने खून के घूंट भी पीना पड़े। वार्निंग दी है कि अगर तो दरवाजे कर बढ़ा तो उसे शूट कर देगा। लेकिन मैं तुझसे मिलने आया था और मैं किन हालात में तुझसे मिल रहा हूं राजेश। मैं बहुत शर्मिंदा हूं पिताजी, मैं आपसे कसम खाकर कहता हूं कि मैंने जिंदगी में गुनाह करने का कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी ना जाने
इन हाथों से एक के बाद एक गुना कैसे होता क्या? अरे भागे, तुझे बचाने के लिए मैंने कौन सी कोशिश की, कहां कहां तेरे पीछे भटका, लेकिन तूने गुनाहों से आसरा और बाप से रिहाई मांगी। जिंदगी में मैंने तुझे क्या ले दिया, फिर तूने मेरे से सुलूक क्यों किया? जो तकदीर ने लिखा था मैं उसे मिटा ना सका। चुप रह, तकदीर को दोष दे रहा है, भूल गया कि तेरा बाप एक पुलिस अफसर है, जानता नहीं था कि मुझे अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा, चाहे कातिल मेरा अपना बेटा क्यों ना हो। जानता था पिताजी, जानता था, लेकिन ये नहीं जानता था कि जिसने तुझे गोद में खिलाया है जब वही इन हाथों में हथकड़ियां पहनाएगा तो क्या गुजरेगी उसके दिल पर, कलेजा फटने जाएगा उसका। जितने दिन जिंदा रहूंगा आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा पिताजी। जिंदगी में मैंने जो कुछ मांगा आपने मुझे हमेशा वही दिया। और तूने बदले में क्या दिया? अपने हर हिमायती का सब कुछ छीन लिया तूने। एहसान फरामोश, किशोर ने तेरा क्या बिगाड़ा था, उसकी जान लेने की तुझे क्या जरूरत थी? मैंने किशोर का खून नहीं किया जी, तो किसने किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है उस कतल ने सिंह का हाथ जरूर। लेकिन सिंह ने जब तुझे किशोरी के पास खड़ा देखा तेरे हाथ खाली थे, तेरे हाथ में वही क्या होता जिससे जिससे किशोरी का खून हुआ। यही तो मेरी बदकिस्मती और बेवकूफी थी पिताजी, किशोरी की जान बचाने के लिए मैंने उसकी पीछे चाकू निकाल लिया था, और जब बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक पुलिस पहुंच चुकी थी, भागने के सिवा मेरे पास और कुछ चारा नहीं था। पहले केस में तो सेल्फ डिफेंस के बिना रिहा हो सकता था, लेकिन अब तो उम्मीद नहीं रही। पहले केस मैं रिहा हो सकता हूँ, फिर मुझे छोटे इंसान से बचा लीजिए पिताजी, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने किशोरी का खून नहीं किया। क्या क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? कांग्रेचुलेशन कमिश्नर साहब, इस बार तो आपने राजेश को इतनी जल्दी पकड़ लिया कि पब्लिक आपकी तारीफ क्यों नहीं रहेगी। थैंक यू। अच्छा है कि सस्ती जी राजेश ने अपने पकड़े जाने में उन लोगों का विरोध नहीं किया। बिल्कुल सच है, सिर्फ यही नहीं बल्कि ताज्जुब की बात तो यह है कि उसने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। आपका अपना क्या ख्याल है, राजेश को क्या सजा मिलेगी? पुलिस का काम है मुजरिम को कानून के हवाले कर देना, गुनाह की सजा क्यों और कितनी मिलनी चाहिए इसका फैसला करना अदालत का काम है, पुलिस का। एक्सक्यूज इंटरेप्शन सर, सॉरी जेंटलमैन, किशोरी मर्डर से ताल्लुक रखने वाली बहुत ही जरूरी खबर अभी भी मेरे पास आई। वो क्या? अस्पताल से खबर आई है कि किशोरी मरीज जिंदा है। सर के दिन बिल्कुल भी बट्टू श्री सचिन ये भी कहता है कि कल शाम तक किशोरी स्टेटमेंट देने का काबिल हो जाएगी। हाँ, और पुलिस को उम्मीद शायद आज शाम तक उसका बयान मिल जाए। अब क्या होगा, हम तो मर जाएंगे। तुम मर जाओगे तो क्या ना होगा? ये आपकी बड़ी भारी गलती थी बॉस, पुलिस में भी नहीं आता, इतनी जल्दी पुलिस को बढ़ाने की क्या जरूरत थी? कलेक्शन देखते जाओ, लड़की जिंदा है जो मर गई। तुम अच्छी बात जानते हो, इसे मैंने चक्कू मारा, आज तक कोई नहीं बचा। लेकिन बॉस ये तो बच गई, इसकी एक ही स्टेटमेंट से हम दुनिया में नहीं रहेंगे। बॉस वो जो लड़की तय बंद कर रखी ना, पुलिस पूछ करके देखिए। क्या? अभी भी पता चला। गुड, वेरी गुड, पन्ना लागू मकान चले जाओ, उसे नहीं रहने दो। पुलिस कमिश्नर की बेटी को भूल जाओ बॉस, उसके बाप को याद करो, जो किशोरी का स्टेटमेंट देगी घर लेकिन यहाँ आ जाएगा। किशोरी स्टेटमेंट देगी तब आएगा ना। बॉस ने कहा लड़की को पढ़ना जाने मकान में पहुंचा दो और फिर इसे यही रहने दो। जी कौन बताएगा? तुम्हारा खाती राजेश नहीं, मैं हूं। आपने खुद ही बता दिया, जिस किशोरी का आप मुंह बंद करने आए वो किशोरी कल रात ही मर गई थी। कल रात ही मर चुकी थी? अगर आपको उसके होश में आने का डर ना दिखाया जाता तो आप हमेशा के लिए कानून से छुपे रहते और असली कातिल का कभी पता नहीं चलता। मिस्टर सिंह, किशोरी के खून के जुर्म में आपको गिरफ्तार करता हूं, अब आइए मेरे साथ। तो मुझे ये फंसाने का पुलिस का जाल था। Thank you.
मेरे पीछे पुलिस है, अपने आदमियों को बंदूक दे दो। जिंदगी के लिए उनके आशीर्वाद लो। जी चलो बेटे। राजेश और कोई काम है क्या? हो तुम्हें ये वजी बंदे ना जा जी, वो अपने विलन से टक्कर लेने जा रहा हूँ। वो कौन है जी? वो मेरी बुलबुल की माँ। गुड लक गुड लक गुड लक। थैंक यू सर, तेरा पता है ना।